नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका लेट्स ट्रैक यूपीएससी सीएससी के हिंदी माध्यम के प्लेटफॉर्म पे। एक बड़ा मामला सामने आया दिल्ली से, जहाँ पे एक जुबेनाइल को लाइफ इम्प्रिजनमेंट की जो है सजा दी गई, क्योंकि उसने 5 साल के बच्चे का ना केवल रेप किया बल्कि उसका ब्रूटली मर्डर भी कर दिया। मामला सामने आया 2017 में। 2017 में इस जुबेनाइल ने एक 5 वर्षीय बच्ची का रेप किया, उसके बाद उसका सिर टकरा कर उसका मर्डर कर दिया। अभी जो ये जुवेनाइल है, इसकी उम्र 2025 हो चुकी है और इसको जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015 के तहत जीवन आजीवन कारावास की सजा दी गई है। देखिए, यहाँ पे जो पॉक्सो की जज थी, स्पेशल जज सुशीला बाला डागर, उन्होंने ना केवल जो है आजीवन कारावास की सजा सुनाई है बल्कि 10,000 रुपये का फाइन भी रखा है। और इसके साथ ही साथ कोर्ट ने डायरेक्ट किया है डीएलएसए को, यानी डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी को, कि वो कंपनसेशन जो कि 17 लाख रुपये का है वो उस माइनर को दिया जाए जिसका ब्रूटली रेप किया गया था और उसको साथ ही साथ उसको उसका मर्डर भी किया गया था। अभी हम देखें तो जो सीसीएल है यानी चाइल्ड इन कॉन्फ्लिक्ट है, उसकी एज हो चुकी है 25। जब ये क्राइम हुआ था तो उस समय जो साल था वो था 2017, और अभी 2024 में ये 25 वर्ष का हो चुका है। तो ऐसे में जज ने कहा कि क्योंकि ये जो सीसीएल है यानी कि जो चाइल्ड इन कॉन्फ्लिक्ट है, इसको ये भी पता है कि खाना कैसे बनाते हैं, क्योंकि वो रेस्टोरेंट में काम कर चुका है, उसको वो जो है आटा मिल के चक्की में भी काम कर चुका है, साथ ही साथ इसके पास और प्रीवियस वर्क है काम करने का, तो ही इज कैपेबल इनफ टू डू द वर्क ड्यूरिंग हिज सेंटेंस इन जेल। तो जब भी जब वो जो जेल की इसकी सजा होगी, तो क्योंकि उसको ये सारी चीज़ें पता होगी, तो ऐसे में लिहाजा इसको ताउम्र की सजा सुनाई गई है। अच्छा, यहाँ पे जो सबसे बड़ा शब्द आ रहा है वो है जुवेनाइल। अगर हम समझे जुवेनाइल होता क्या है और कैसे जुवेनाइल को सजा मिलती है, तो देखिएगा कि जो जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन एक्ट है 1986 का, इसमें जुवेनाइल को डिफाइन किया गया था कि एक ऐसा लड़का, अ बॉय दैट हैज नॉट कंप्लीटेड एज ऑफ 16 ईयर्स, यानी जो लड़का है उसकी उम्र जिसने 16 वर्ष अभी कंप्लीट नहीं किया है, वहीं लड़कियों के लिए ये उम्र रखी गई थी 18, तो उनको जुवेनाइल कंसिडर किया जाता था। अब क्या होता है कि वर्ष 2015 में एक बड़ा घटना घटती है भारत में, दिल्ली में, जहाँ पे निर्भया रेप कांड। निर्भया रेप कांड के दोषियों में एक जुबिनाइल रहता है, और जुबिनाइल को लेकर क्योंकि यही सजा थी कि उसको मैक्सिमम टू मैक्सिमम 3 साल की सजा दी जाए। अब क्योंकि वहाँ पे कोई बड़ा मतलब जो क्राइम को लेकर के या बड़ी सजा की प्रावधान नहीं किया गया था, तो लिहाजा किशोर न्याय अधिनियम 2015 लाया गया, यानी जो हमारे जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 1986 था उसको अमेंड करके 2015 में नया कानून लाया गया, जहां पे निर्भया गैंग रेप केस जो दिल्ली का था उसके बाद ये जो कानून आया, ताकि इसको और हार्श और ज्यादा जो हीनियस क्राइम है इसके इसके लिए जो है कठोर से कठोर सजा दी जा सके। तो वहां पे क्या हुआ कि सीधा सीधा इसको चेंज कर दिया गया और ये डाल दिया गया कि जुवेनाइल मतलब हर वो बच्चा, हर वो लोग जिन्होंने अभी 18 वर्ष की आयु कंप्लीट नहीं की है, उनको जुवेनाइल कंसीडर किया जाएगा। यहाँ पे लड़के और लड़की का जो भेद है वो खत्म कर दिया गया। अभी तक जो ऐसा था कि जुवेनाइल को लेकर कि आप मैक्सिमम टू मैक्सिमम 3 साल की सजा दे सकते थे, इसको भी चेंज कर दिया गया। और अभी ऐसा हो गया है कि 2015 के लॉ में यहाँ पे जो ऑफेंस है, ऑफेंस को क्लासिफाई किया गया और ये कहा गया कि अगर हीनियस क्राइम है, अगर हीनियस क्राइम है तो वहाँ पे जुवेनाइल को आप एक एडल्ट कंसीडर करेंगे, और एडल्ट कंसीडर करने के हिसाब से उनको जो है पनिशमेंट होगी। तो अब समस्या ये आती है कि किस क्राइम को आप हीनियस क्राइम कहेंगे और क्राइम क्या क्या है। तो देखिए, यहाँ पे 2015 का लॉ है, यहाँ पे इसको क्लासीफाई किया गया, और क्लासीफाई करने के बाद ये बोला गया है हीनियस क्राइम का मतलब है जहाँ पे मिनिमम जो पनिशमेंट होगी वो 7 सालों की होगी, 7 सालों का आजीवन कारावास होगा। वही सीरियस ऑफेंस में वो क्राइम आएंगे जहां पे 3 से 7 साल की सजा होगी, और पिटी ऑफेंसेस यानी जो छोटे ऑफेंसेस होंगे वहाँ मिनिमम जो है मिनिमम तो कितनी भी है, उसके बाद मैक्सिमम से मैक्सिमम आप 3 साल की सजा दे सकते हैं। अब क्योंकि ये जो बच्चे के साथ ब्रूटली मर्डर किया गया 5 साल की बच्ची के साथ, तो ये जज ने इसको हीनियस क्राइम के अंतर्गत माना। इवन जो जांच करता एसपी थे, उन्होंने भी ये बोला कि क्योंकि ये हीनियस क्राइम में आता है, लिहाजा इसको 16 साल का होने के बावजूद भी एडल्ट कंसीडर किया जाए, और ये जो एडल्ट कंसीडर किया जा रहा है वो जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015 के तहत जो है कंसीडर किया जा रहा है, और लिहाजा इनको आजीवन कारावास की सजा दी गई।
ऐसे जघन्य अपराधों की ये हमारे समाज में और हमारे कानून में कोई जगह नहीं होनी चाहिए, और हम सभी की कोशिश होनी चाहिए कि धीरे धीरे जो समाज है वो अपराध मुक्त हो जाए। और इसके लिए जो जिम्मेदारी है वो सिर्फ कानून बना के नहीं होगी, जरूरत ये भी है कि हम एक बेहतर समाज बना सकें, न केवल हमारे बच्चों के लिए बल्कि उन सभी लड़कों के लिए या उन सभी युवकों के लिए भी जहाँ पे हम समाज के लोग उनको एक अच्छी ट्रीटमेंट दे सके, एक अच्छी शिक्षा दे सके, ताकि वो अपराध की ओर ना बढ़े। तो आज का जो हमारा प्रोग्राम था उसमें यहीं तक आपको खास जानकारी देते चले कि फ्रीडम टू लर्न, फ्रीडम टू सक्सीड ऑफर लेके आ रहे हैं अनअकैडमी का यूपीएससी सब्सक्रिप्शन। अब मात्र मात्र 1250 रुपये मंथली जो है पे करके आप उठा सकते हैं। लिमिटेड टाइम के लिए ऑफर अवेलेबल है, तो जल्द से जल्द जुड़िएगा हमारे ऑफर के साथ। अभी के लिए इतना ही, आपकी क्या राय है, कब बनेगा समाज अपराध मुक्त, आप बताइएगा कमेंट सेक्शन में। अभी के लिए हम आपके सेशन को यहीं पर विराम देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका सेशन से जुड़ने के लिए। Thank you.